हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैनल दैट इज नर्सिंग एंड माय सेल्फ आई एम मिस्टर वैभव भोसले। तो आज हम देखने जा रहे हैं बॉडी पार्ट्स एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी। तो जैसे कि एक चार्ट में दिया है, जो भी आपके एक्सट्रीम राइट में है तो वो बॉडी पार्ट है और लेफ्ट में जो भी है वो मेडिकल टर्म्स है। तो मैंने लिस्ट किया है किसको क्या बोला जाता है, क्योंकि एज अ मेडिकल प्रोफेशनल हमको थोड़े वर्ड्स का रिलेटेड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट है लंग। लंग को हम नीमो भी बोलते हैं, लाइक एग्जांपल निमोनिया। रिसेंटली कोविड के टाइम में देखो निमोनिया हुआ है बोलते थे। सो नीमो इज रिलेटेड टू लंग्स। नीमोथोरैक्स, निमोनिया, निमोनाइटिस हम बोलते हैं। तो जो भी मेडिकल टर्म में नीमो रहता है वो लंग के रिलेटेड है। देन चेस्ट आता है, चेस्ट को यूजली हम थोरैक को भी बोलते हैं, यूजली बोलते हैं थोरासिक कैविटी और थोरैकोटोमी, मतलब जिसमें हम चेस्ट कैविटी को ओपन करते हैं। टोमी मतलब ओपनिंग, थोरैक्स मतलब रिलेटेड टू चेस्ट, चेस्ट ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, थोरैकोटोमी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ईयर। ईयर इज रिलेटेड टू ऑरा और ऑरिकल भी हम इसको बोलते हैं। और नेक्स्ट है आई। आई को हम ऑक्यूलर, अक्यूलो और ऑफ्थाल्मो भी बोलते हैं। यूजली ऑफ्थाल्मो ज़्यादा यूज करते, ऑफ्थाल्वाल ऑफ्थाल्मोलॉजी डिपार्टमेंट हम यूजली आई के रिलेटेड हम बोलते हैं। देन आता है किडनी। किडनी इज रिलेटेड टू रीनल, नेफ्रिक और नेफ्रो। यूजली देखो रीनल कैलकुलाई बोलते हैं, मतलब इट इंडिकेट्स किडनी स्टोन्स, तो रीनल भी बोलते हैं। देन नेफ्रिक और नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को हम यूजली नेफ्रॉन बोलते हैं। तो उसके इंडिकेशन में नेफ्रिक और नेफ्रो यूज़ करते हैं, लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिस ये भी यूज़ करते हैं। देन आता है लिवर। लिवर इज रिलेटेड टू हेपेटिक और हेपेटो। यूजली देखो हेपेटिक हेपेटाइटिस बोलते हैं, सिरोसिस ऑफ लिवर भी बोलते हैं ना, तभी भी इंडिकेट्स हेपेटिक, मतलब हेपेटिक इंडिकेट्स लिवर। देन आता है हार्ट, उसको केरियम, कार्डियक और कार्डियो बोलते हैं, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। कार्डियक इज रिलेटेड टू हार्ट और कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन, उसमें भी कार्डियो का मीनिंग आता है, तो इट इज रिलेटेड टू द हार्ट। हार्ट के बाद आता है लंग्स, ऑलरेडी मैंने बोला है पल्मोनरी पल्मोनिक। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन रिलेटेड आता है सीकम, कोलॉन, डिओडिनम, ये उसके पार्ट्स है विच इज रिलेटेड टू इंटेस्टाइन। माउथ, माउथ में आप ओरल स्टोमा और स्टोमैट बोल सकते हैं, स्टोमाटाइटिस बोल सकते हैं और ओरल कैविटी बोल सकते हैं, ओरो एनल रूट भी बोलते हैं, तब माउथ को इंडिकेट करता है। देन आता है स्किन। स्किन इज रिलेटेड टू डर्मा और इंटोग्यूमेंट्री। डर्मा, डर्माटाइटिस, तो ये पर्टिकुलर वर्ड स्किन रिलेटेड यूज करते हैं। और इंटोग्यूमेंटम, इंटोग्यूमेंट्री सिस्टम को भी हम स्किन बोलते हैं। और लास्ट जो भी वो स्टमक है उसको गैस्ट्रिक और गैस्ट्रो बोलते हैं। देखो गैस्ट्राइटिस हुआ है, इट इज रिलेटेड टू इन्फेक्शन ऑफ स्टमक। गैस्ट्रो एंटराइटिस भी बोलते हैं, गैस्ट्रो इज अगेन रिलेटेड टू स्टमक। जो भी वर्ड रिलेटेड टू गैस्ट्रिक और गैस्ट्रो आते हैं तो दैट इज रिलेटेड टू द स्टमक। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स वी शुड नो एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, कि कौन से मेडिकल टर्म को हम क्या बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच।